प्रेम गुरु मैथ में सभी का स्वागत है। मैं प्रेम मेरा जो अपन चर्चा कर रहे थे वही वो मैथमेटिक्स के अंदर कर रहे थे। वृत्त की परिधि एवं उसका क्षेत्रफल के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो इसमें पहले वाले पार्ट में मैंने क्वेश्चन करवा दी थी, जो शेष क्वेश्चन घटे उन पर अब चर्चा करने वाले। तो अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि इस साल की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम होने वाली है वो एग्जाम 15 मई के बाद में होगी और अर्धवार्षिक एग्जाम इस साल नहीं होगी आपकी। तो डायरेक्ट वार्षिक एग्जाम 15 मई के बाद में होगी। तो दोस्तों आपके पास करीब करीबन 5 महीने वो कंप्लीट है। जबरदस्त तैयारी करो। साइंस और मैथ के हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हो आराम से। और जितने भी लोग देख रहे हैं अपने छोटे बड़े भाई बहन जो पढ़ते 10वीं क्लास में, तो वही हमने एक ग्रुप बनाया मैथ और साइंस का। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उनसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आ जाइए। हर व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ मैं आपको, 9351929213। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए और फिर आप फिर बोल दीजिए वही 3 नंबर को उस ग्रुप में सेंड कर दो। तो मैं उस ग्रुप में आपका व्हाट्सएप नंबर वो सेंड कर दूंगा। फिर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत आ रही है साइंस के अंदर और मैथ के अंदर, कोई भी प्रश्नावली में कोई टॉपिक नहीं हो रहा, कोई प्रश्न नहीं आ रहा भाई, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो सकता है वो किसी भी प्रश्नावली में हो सकता है जो नहीं आ रहा, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए वो, या फिर पर्सनल कर दीजिए या फिर वहाँ पर ग्रुप में उस क्वेश्चन को डाल दीजिए, जिससे आपको सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अपन इसको मिटाते चर्चा करते क्वेश्चन पर। तो दोस्तों पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आप किताब लेके बैठ जाइए, किताब लेके बैठ जाइए, कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बोर्ड पर नहीं लिख सकता भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है 5 में, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो इसकी फरदी याद करनी है अपन, फरदी भाई। तो भाई देख, वृत्ताकार क्या है, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है 154 क्या भाई सेंटीमीटर। ठीक, ये अपन को दे रखा है। तो वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एक्स आर होता है। तो मैंने लिखा यहाँ पर भाई पाई आर एक्स आर बराबर 154 लिखा है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है भाई, 22/7 लिखा गुणा आर क्या होता है भाई, जो अपन को निकालना है बराबर 154। ठीक है, अपन को आर चाहिए, अभी भाग में तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 154 गुणा 7/22 मतलब कि 22। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर 22 का भाग इसमें दिया तो भाई कितनी बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। तो आर एक्स बराबर कितना आ गया 49, 7 × 7 = 49, अपन को आर चाहिए तो भाई रूट इस पर चल जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा भाई 7 सेंटीमीटर। आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया अपने पास में, क्या त्रिज्या निकल के आ गई दोस्तों। अब पूछा क्या है उसने भाई, वृत्त की परिधि पूछी है। और दोस्तों मैंने वृत्त की परिधि का आपको सूत्र बताया था, वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, जो वृत्त होता है जैसे कि ये मैंने कोई वृत्त बना दिया जिसके चारों तरफ वो क्षेत्रफल होता है ना भाई,
सिर्कुलर को तो चारों तरफ ये पर्दी हुई है ना, इसको पर्दी बोलते हैं। तो ये क्या है, एक चक्र में 2 पाई आर करती है, तो कितना हो गया भाई 2 पाई आर। एक एक चीज बताएंगे, आराम से बताएंगे, अच्छा बताएंगे, बस पेन कॉपी हाथ में लेके रखो बस, ठीक है। नहीं आता तो आप डायरेक्ट कमेंट में लिख सकते हो कि ये कैसा है, ठीक है। 2 गुणा पाई का मान मैंने बताया भाई 22/7, पहली क्लास में देख सकते हो आप जो हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए तो। आर का मान 7 निकल के आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिर अपने 7 को 7 से काटा तो कितना आ गया भाई 44 सेंटीमीटर, अपना क्या भाई त्रिज्या ही वृत्त की। तो इस प्रकार से अपना आंसर आ गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था भाई आपको, कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो बोला है वो चीज आप लिखते जाओ, प्रत्येक चीज को अपन ने लिख दिया तो आंसर अच्छी तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किताब की तरफ देखो सभी बच्चे, कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल याद करें। अपन को क्षेत्रफल याद रखना है वृत्त का, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो त्रिज्या की आवश्यकता होती है। क्या दे रखा भाई, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, ये अपन को बराबर दे रखा है, लेकिन अपन को क्या भाई वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा अपन को 484 दे रखा है, कितना 484 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल ये दे रखा, तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, अपन का वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं वो क्या होता है, विशेष होता है वर्ग का परिमाप निकालो तो ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है अपन को, तो क्या निकालना अपन वर्ग की भुजा निकालनी है, तो भुजा कैसे निकले भाई, वर्ग का क्षेत्र जो वर्ग होता है उसका क्षेत्र होता है भुजा, ठीक, बराबर 484। तो अपन भुजा निकालेंगे 484, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, भुजा कितना आ जाएगा भाई 22 आ जाएगा, 22 सेमी। अपनी क्या है भाई 22 सेमी, क्या निकल गई भुजा निकल गई, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी भाई, ये 22 समझ में आ गया तो फिर तो आ जाएगा आराम से, ये तो कोई प्रॉब्लम ही, 22 कैसे आया भाई ये सबको पता है। तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप दे रखा है अपन, तो ठीक भाई। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर होती है, और जो वर्ग का परिमाप होता है वो क्या होता है भाई 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है। तो ये बात बोली बराबर अपन ने लिख दी, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम भाई, देखो वृत्त होता है ऐसा, वर्ग होता है ऐसा, जिसे क्या 4 भुजा समान होते हैं, इसका तो होता है टू पाई आर होता, और ये होता भी 4 गुना भुजा,
चार गुना बोझा होता भाई। तो इस प्रकार से अपन को इसको निकालना होता है, टू गुणा पाई का मान 22/7 लिखा अपन ने, आर अपन को चाहिए चार गुना बोझा कितने अपन 22 भाई, 22 लिखा ध्यान तब तो कोई दिक्कत, अपन को चाहिए आर, तो भाग में तो ये गुणा में चल जाएगा, चार गुणा 22 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22 ये लिखा अपन ने। ठीक है भाई, कुछ एडजस्ट हो गया था, फिर इसको किया अपन ने, तो भाई 22 से तो ये 22 गया और 7 का 2 का भाग 2 4 में दिया 2 बार गया, तो क्या आ गया भाई 7 2 नहीं 14, तो अपनी त्रिज्या कितनी आ गई 14 आ गई। ठीक, अब क्या पूछा उसमें क्षेत्रफल की बात करी भाई कि वृत्त का क्षेत्रफल या त्रिज्या निकाल, वो क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो यहां लिखेंगे अपन वृत्त का, क्या लिखेंगे भाई वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर इशार होता है भाई, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर इशार होता है, पाई का मान 22/7 है, त्रिज्या कितनी आई अपनी 14 है भाई। ठीक, इसको काटा दो बार, 22 गुणा 28 करेंगे, 7 दो 14 28 गुणा 56, 56 का 6 का 5 का 6, 56 और 6 5 61 भाई, कितना आ गया 616, क्षेत्रफल निकालने दो भाई सेंटीमीटर में सेंटीमीटर 16 बार, ये अपना आंसर। कोई को दिक्कत, किसी को दिक्कत थोड़ी हुई कोई क्वेश्चन करने में, एक बार फिर बता देता हूँ, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पहला चुका, ये 2017-18 में एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि अब भी आ सकता है ये क्वेश्चन भाई, एक बार फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ आपको। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दे रखा है बराबर, ठीक अपन ने बराबर कर दिया, उसके बाद वर्ग का क्षेत्र दे रखा 484 मीटर का। ठीक भाई, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा एक्सर होता है, भुजा एक्सर बराबर 484 भुजा निकालेगी, तो भुजा कितनी आ गया अपने पास भाई 22, अपने भुजा निकल के आ गए, ये 22 भुजा जो निकल के आई थी, तो वृत्त की परिधि दे रखी, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है बराबर 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप होता है, 2 की जगह 2 लिखा, पाई का मान 22/7 लिखा, आर लिखा गुणा बराबर को बराबर 4 गुणा भुजा की जगह 22 लिखा। ठीक है, अंत कंप्लीट आ रहा है, उसके बाद करके आर बराबर 14 आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो पाई का मान 22/7 होता ही है, उसके बाद आर का मान अपने पास 14 आ गया, तो गुणा किया फिर 616 आंसर आ गया, और 616 दोस्तों अपना क्या है वर्ग मीटर, ये आंसर है। इस प्रकार से लोगों ने निकालना था वर्ग सेमी वर्ग मीटर, वर्ग मीटर सर अपना आंसर, इस प्रकार से ये आंसर आएगा दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन के अपन चर्चा करते भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हुए, किताब की तरफ ध्यान दो, किताब में पढ़ो, क्वेश्चन किताब में लिखा हुआ है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा है भाई 5280 रुपये आता है, 5280 रुपये आता है, तो इस क्षेत्र को 0.50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई करने का व्यय कितना क्षेत्रफल आएगा, ये निकालना है, क्षेत्रफल निकालने के बाद 0.50 से उसको गुणा करना, फिर खर्चा करके आएगा अपने पास। तो इस प्रकार से तुम्हें देखो
कोई बाड़ा होता वृत्ताकार भाई, ऐसे होता ठीक इस प्रकार का होता भाई। तो क्या भाई पड़ती होती एक चक्कर में टोटल, तो भाई मैं क्या करूँ। तो भाई अपन को क्वेश्चन नंबर ये कौन सा भाई सातवां विचार से कर, तो वृत्ताकार मतलब ये पूरा एक चक्कर पूरा करने में क्या भाई कितने रुपये खर्चा रहा है, 2400 रुपये का भाई। तो इस प्रकार से ये पूरा करता है तो ये कितने का आ गया टोटल खर्चा, तुम्हें यहाँ लिख दो भाई प्रति, क्या भाई प्रति मीटर, प्रति मीटर बाड़े का खर्चा कितना हुआ 2400 रुपये। ठीक उसके बाद कुल खर्चा, कुल खर्चा कितना आ रहा है 5224। ठीक अपन को क्या खेत की लंबाई निकालनी है, खेत के बाड़े की लंबाई। तो क्या है अभी कुल खर्च बटे प्रति मीटर खर्च। तो भाई कुल खर्च कितना आया अपने पास में, कुल खर्च दे रखा है 5280 बटे 24 भाई। तो इसको भाग दिया भाई 24 का 2 बार गया, फिर 48 फिर 48 दो गया तो कहते 220 मीटर। तो क्या भाई ये 220 मीटर क्या आ गया अपने पास में पूरा बाड़े की लंबाई आ गई, इतने मीटर का बाड़ा है अपना। तो देखो भाई जो ये बाड़ा है इतने का, तो क्या ये पर्दी निकल के आई भाई चारों तरफ की, क्या निकल गई पर्दी। तो अब क्या करेंगे अपन को निकालनी त्रिज्या, तो अपन क्या करेंगे 2πr बराबर कितना हो जाएगा 220 भी। ये हो गया ना बाड़े की पर्दी, अपन को पर्दी निकालनी पूरे बाड़े की खेती। तो क्या करेंगे 2 × i² 22/7 है आर बराबर 220। ठीक अपन को आर चाहिए भाई 7 × 220 बटे 2 × 22। यहां तक आ गया सबकी समझ में कि आया कैसे, 22 कर दिया 10 बार, 10 कर दिया 5 बार, तो R बराबर निकल के आ गया भाई अपने पास में 35 निकल के आया क्या भाई मीटर में। अंतर आ रहा है दिख रहा है सबको, दिख रहा भाई दिख रहा 35 आ गए यहाँ, क्या है ये त्रिज्या निकल के आई 35। अब क्या है भाई खेत का क्षेत्रफल निकालना, ये क्या भाई खेत की त्रिज्या निकल के आई, क्या निकल के आई खेत की त्रिज्या। ठीक है अब अपन क्या है भाई पूरा क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद तो अपन उसको निकालेंगे भाई खेत का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एक्स आर होता है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 35 त्रिज्या ही, ठीक 7 को इससे काटा तो भाई 5 बार गया, 5 × ये किया तो भाई 5 × 2 = 10 और 11 × 35 यहाँ तक आ रहा है सबकी समझ भाई। तो भाई क्या हो गया ये
ग्यारह गुना पांच के तो 55 का पांच को तीन की पांच के आंसर 33 और पांच 38 और एक जीरो मीटर में है। तो उसका टोटल जो बाड़ बनाया था अपन ने उसका क्षेत्रफल कितना है भाई 3850 आया। ठीक, तो ये 3850 आया वर्ग मीटर। तो लेकिन भाई अपना क्या है कि 0.50 प्रति वर्ग की दर से जो तय कर रहा है, तो देख लो तब यहां लिख लो खेत की जुताई का व्यय देख रहा हूं व्यय देख तो याने देख रहा भाई खेत की जुताई का व्यय कितना भाई 0.50 रुपये भाई फिरती मीटर। लेकिन अपना कितना आया भाई टोटल 3850 को गुणा करेंगे भाई 0.50 इसको हटाने के लिए भाई नीचे क्या है दो जीरो लगा दी 50 ये दो बार चल जाएगा दो को इसमें भाग दिया तो एक एक बार गया फिर नौ बार फिर दो बार फिर पांच बार टोटल खर्चा कितने रुपए का आया इतने जुताई कराने में 1925 रुपए का भाई खर्चा आया। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को करना था भाई। तो मुझे उम्मीद है कि सबके अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार फिर रिपीट करवा देते हैं अपन देखो कि प्रति मीटर बाड़े का खर्चा कितना था 24 रुपये। लेकिन टोटल जो खर्चा आया था वो कितना आ गया भाई अपने पास में 5280 रुपये आएगा टोटल खर्चा इसका। ठीक है, तो भाई अपन खेत के बाड़े की लंबाई निकालते लंबाई कितने जितने रुपये खर्चा आ रहा है कितने मीटर का बाड़ा भाई वो कितना उसका क्षेत्रफल आएगा वो तो वो निकालना था अपन को। तो कुल खर्च बटे मीटर प्रति मीटर खर्च एक मीटर में कितना खर्च हो रहा था 24 रुपये। तो अपन टोटल अपन ने भाग दिया भाग देने के बाद भाई कितना आया अपने पास में 220 मीटर लंबा है। फिर खेत का क्षेत्रफल निकाला ठीक भाई 220 आ गया ये यहां से अलग हुई है ये अलग ठीक ये 220 क्या आएगी टोटल पर्दी आएगी भाई पर्दी के बाद अपन क्या है जो खेत की पूरी चारों तरफ की पर्दी है वो पर्दी कितनी थी भाई 2πr और इसकी पर्दी अपन को 2πr ना देकर अपन कितनी मिलेगी 220। तो 2πr बराबर 220 किया फिर अपन ने त्रिज्या निकाली त्रिज्या निकालने के बाद क्षेत्रफल निकाला क्षेत्रफल निकालने के बाद अपने खर्चा निकाला और खर्चा टोटल आया 1925 रुपये अपने पास में टोटल खर्चा आया दोस्तों। इस प्रकार से इसको करना था दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 8 चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ठीक भाई क्वेश्चन नंबर 8 बोर तो नहीं हो रहा ऐसा महसूस हो रहा है कि बोर हो रही है कोई क्लास तो बोर नहीं होना अपन को तो भाई देख अपन तो सिंपल और साधारण तरीके से पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे ऐसा नहीं कि क्वालिटी में कमजोरी होगी क्वालिटी पूरी देंगे हम 100% देने की कोशिश करेंगे क्योंकि भाई 100% दे। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले प्राप्त होंगे। दोस्तों देखते हैं 8वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो क्या कह रहा है 8वां क्वेश्चन एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है इसके चारों ओर
7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया हुआ, तो मार्ग का क्षेत्रफल निकालना भाई, कोई वृत्त का घास का मैदान हो या ऐसे। ठीक भाई, तो यहां से क्या मतलब, ये सेंटर है ना, सेंटर से इसकी दूरी कितनी हुई, 35 मीटर। कितनी हुई, 35 मीटर भाई। लेकिन क्या है, इसके 7 मीटर चौड़ा इसके चारों तरफ रास्ता बनाया गया है, ठीक हुई। हाँ ये रास्ता बनाया 7 मीटर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा भाई यहां से, ये तो हो गई यहां से यहां तक कितनी, 35, तो ये 7 जोड़ा, तो टोटल ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी, ठीक है 42 हो जाएगी ना। तो अब क्या कह सकते हो, जो वृत्ताकार मैदान है R1, तो जाएगी कितनी, 35 मीटर। R2 35 + 7 बराबर 42, ठीक भाई यहां तक कंप्लीट आ गया ना भाई समझ में, क्योंकि 7 मीटर का क्या भाई, इसका मार्ग बनाया गया है, 7 मीटर का मार्ग बनाया गया, तो उनको क्या है ये वाला क्षेत्रफल याद करना था मुझे, ये वाले क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, कि ये वाला क्षेत्रफल निकालना, ये कितना होगा इस क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का, तो अपन क्या करेंगे भाई, मार्ग का क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे भाई, क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते, पाई आर स्क्वायर से निकालते, तो क्या भाई इसका टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा, तो क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो क्या बड़े में से अपन को छोटा को घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाना भाई अपन, ठीक यहां तक ये समझ में आ गया ना भाई कैसे आया। फिर अपन क्या कॉमन आ रहा था, कॉमन पाई को बाहर निकाला अपन ने, आर इक्शा 2 - आर इक्शा 1, यहां तक कंप्लीट है भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, पाई का मान अपन सबको पता भी कितना होता है, 22/7 होता है, तो वही अपन ने 22/7 किया, त्रिज्या फर्स्ट कितनी अपन भाई, 35, दूसरी क्या भाई, 42, तो यहां आपने पढ़ा होगा वैदिक गणित बीज गणित में कि A²-B² क्या होता है भाई, इसको क्या कि एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख देते हैं दोस्तों, तो A+B लिख सकते हैं, A-B लिख सकते हैं, तो वही टर्म ये होगी, इसको ए माना इसको बी माना, तो कर सकते अपन 22/7 35 + 42 35 - 42 - 35, इस प्रकार से कर सकते दोस्तों, 22/7 गुणा इनको ऐड किया तो 7, 77 इनको गुणा किया तो 7 बचा, यहां तक सब किस समझ में आ रहा है, 7 से 7 गया तो कितना बच गया, 22/77, ये आगे में 22/77 कैसे आया भाई, ठीक इसको अपन ने फिर गुणा किया तो भाई कितना आ जाएगा, 7 × 2 = 14 का भाई, 7 × 2 = 15, वही प्रोसेस यहाँ हो जाएगी भाई,
तो योगे 4961, तो मतलब टोटल कितना आया भाई, 1694 मीटर स्क्वायर में भाई अपना क्या है, क्षेत्रफल निकल गया। ये वाला रास्ता है, इसका क्षेत्रफल यहां से यहां तक की 1694 मीटर आंसर है इसका। तो इस प्रकार से अपन इसको हल किया भाई, कुछ नहीं करना भाई, अपन को लिखना भाई आर वन त्रिज्या इतनी हो गई, आर टू की त्रिज्या इतनी हो गई, आर थ्री की त्रिज्या अपन को दे नहीं रखी, तो पूछने का वो काम ना है, तो अटैच वर्ठे करने हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करने दो, चल अगले क्वेश्चन अपन अगली वीडियो में बता देंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि सबको एक ब्रेकिंग न्यूज मैंने दे दी हुई थी शुरू में कि इस साल की अर्धवार्षिक एग्जाम नहीं होगी, तो नहीं होगी, डायरेक्ट वार्षिक एग्जाम होगी, जो भी 15 मई के बाद में एग्जाम आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।